स्टूडेंट्स वेलकम टू तेरसर क्लासेज और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास नाइन् की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर थ्री ईस्वरन द स्टोरी टेलर के कुछ इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन मार्क क्वेश्चंस तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए आपको बताना है हु वॉज ईस्वरण ईस्वरण कौन था तो सिंपल आंसर है वो महिन्द्रा का असिस्टेंट कह सकते हैं आप उसे या कुक कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू है वट वर्क डिड महिन्द्रा डू महिन्द्र का काम क्या था क्या काम करता था महिन्द्रा तो उसका काम था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है सीनियर uh, मैनेजर है ए रेडियोलॉजिस्ट है ए स्टोरी टेलर है और ए जूनियर सुपरवाइजर है एंड राइट आंसर इज अ जूनियर सुपरवाइजर क्वेश्चन नंबर थ्री है आफ्टर लंच विच बुक्स इस वर्न यूज टू रीड कौन सी बुक पढ़ता था लंच के बाद लंच टाइम के बाद तो तमिल थ्रिलर्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑफ पेजेस वाली क्वेश्चन नंबर फोर में बताना है इस वर्न टोल्ड दे स्टोरी दैट वंस ए डैश आपको बताना है वंस ए डैश यानी यहां पर इस ब्लैंक को फिल करना है एस्केप्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड रोम अबाउट हेयर एंड देयर यानी जंगल से कौन बच के भागा और फिर इधर उधर घूमने लगा तो ऑप्शनस हैं डॉग अकेट अकेमल और अ टस्कर तो राइट right आंसर है ए टस्कर जो कि बड़े बड़े दांतों वाला हाथी होता है टीथ वाला इसलिए उसके उसके लिए टस्क के लिए वर्ड यूज हुआ टस्कर क्वेश्चन नंबर फाइव है इन विच क्लास डिड इस वर्न स्टडी वेन ही कंट्रोल द मैड टस्कर उसने जब पागल हाथी को कंट्रोल किया तो वो किस क्लास में पढ़ता था किस ग्रेड में था वो तो वो कहता है कि मैं जूनियर क्लास में था उस टाइम क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट वाज द फर्स्ट स्टोरी अबाउट पहली स्टोरी उसने किसके बारे में सुनाई थी वो एक मैट टस्कर के बारे में थी हाथी पागल हाथी के बारे में थी और आपको बताना क्वेश्चन नंबर सेवन में कि सेकंड स्टोरी उसने किसके बारे में सुनाई थी महिंद्रा को तो वो एक स्पिरिट या विच के बारे में थी जो उनकी विंडो के बाहर घुमा करती थी एक चुड़ैल के बारे में क्वेश्चन नंबर एट है वट डिड इस वर्न टेल अबाउट द एंटायर फैक्ट्री एरिया उसने पूरे फैक्ट्री एरिया के बारे में महिंद्रा को क्या बताया इस वर्न ने वो कहता है कि एक बरियल ग्राउंड था बैरियल ग्राउंड क्या होता है जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता रहा होगा पहले और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इस वर्ण ग्रीटेड महिंद्रा एट द डोर विद हिज लंच पैकेट था एक तो एंड हिज डैश और साथ में दूसरी चीज क्या थी तो ऑप्शन है शूज न्यूज़पेपर बैग और स्पेक्टल या फिर चश्मा तो राइट right आंसर है बैग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन आफ्टर हियरिंग द स्टोरी ऑफ द गोस्ट या स्पिरिट व्हाट डिड महिंद्रा डू यानी इस कहानी को सुनने के बाद इसका जब इफेक्ट हो गया महिंद्रा के बाद तो महिंद्रा ने क्या किया फिर वो खूब हंसा या खूब रोया या उसने इस हॉन्टेड प्लेस को ड्रावनी जगह को छोड़ने का डिसीजन लिया या फिर इस वर्ण को पीटना शुरू कर दिया तो राइट right आंसर है ही डिसाइडेड टू लीव दिस हॉन्टेड प्लेस तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगा आई होप सो दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू अलॉट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर अबाउट द चैप्टर सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज और अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और अगर, अगर आपको लगता है कि कुछ वर्थ था इनको इन क्वेश्चंस को देखने का तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल है वेरी नाइस डे